नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफी अलग अलग प्रकार के मानसिक रुग्ण आते हैं और वो अच्छा होने के बाद में फिर अपनी राय, उनका उपचार कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। लोगों को इससे फायदा होना चाहिए इसलिए वो शेयर करते, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो आप देखिए। और इस तरह के पेशेंट भी अच्छे हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी हो सकती है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यह वीडियो देख के लोगों को शेयर करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे। मैं आज आपको एक फीट का पेशेंट दिखाने जा रहा हूँ जो बचपन से थोड़ा सा मंदबुद्धि है। उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, आईक्यू अगर किया तो आईक्यू में उसका आईक्यू की लेवल जो है वो कम आएगी। उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और उसी में उनको फीट के झटके आने लगे हैं। एपिलेप्सी उसको बोल सकते हैं अपन, एपिलेप्सी, फिट, मिर्गी, ऐसे अनेक तरह के नाम हैं। इनको हफ्ते में, महीने में 3 या 4 बार फिट आते हैं। फिट आने के बाद में एकदम से बेहोश हो जाता है, मुंह में से फेस आता है, हाथ पैर एकदम कड़क कर देता है, हाथ पैर की मुट्ठी हो जाती है। ये जब छोटा था, 3 साल का था, जब से इसको फिट आने लगी है, फिट बोले तो एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं, अपस्मार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रोगी एकदम से नीचे गिर जाता है, हाथ पैर कड़क होने लगते हैं, मुंह में से फेस आती है और बेहोश हो जाता है। महीने में या 8 दिन में 3 या 4 बार उनको ऐसा होता है। पेशेंट दूर से आए, रांची से आए हैं। रांची बोले तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड से है, सॉरी, झारखंड से पेशेंट आए। देखिए इनके रिलेटिव साथ में है, इनसे अपन बात करते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ थी ये आपको बताएंगे। जी नमस्ते। कहाँ से आए हो आप? मैं रांची, झारखंड से आई हूँ। झारखंड से आए जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी इनको, मैं जान सकता हूँ? हाँ जी, इनको मतलब छोटा 3 साल के बाद से मतलब झटके आने लगे। अच्छा। फिर से पैर हाथ खींचने लगे। अच्छा अच्छा। फिर से थोड़ा मतलब वो बोल नहीं पाता है, उस वजह से बोल नहीं पाता। हाँ जी। ओके ओके। फिर उसका एक हाथ भी काम नहीं करता अभी फिलहाल। उम्र कितने इसके? 12 साल। 12 साल? हाँ जी। और 3 साल का था जब इसे तभी से आते जी। अच्छा, व्यवहारिक ज्ञान है उनको? हाँ, समझता है, थोड़ा बहुत तो समझता ही है, थोड़ा बहुत समझता है। हाँ, स्कूल में कैसा है पढ़ाई में? नहीं, स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल भेजते नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि वो गिर जाता है तो उसको फिर चोट। अच्छा। आ जाता है, इंजरी हो जाती है हेड पे, नोज, आई, चेहरे पे, सारे जगह तो कट हो जाता है। ये दिन में 3-4 बार तो हो ही जाता है। दिन में 3-4 बार होता है? हाँ। दवाई नहीं ली कहीं? नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा था रांची से भी, तो उसके बाद मतलब वहाँ पे थोड़ा सुधार नहीं हुआ तो फिर अभी यहाँ पे देखे। कितनी जगह पे दिखाया आपने? कम से कम 6-7 डॉक्टर से तो चेंज कर ही लिया। 7-8 डॉक्टर पे दिखाया? हाँ जी। देखिए पेशेंट यहाँ से कोसों दूर है, 7-8 जगह पे इन्होंने दिखाया है, कहीं पे उनको रिलीफ हुआ नहीं है। आज हमारे पास में आए हैं और इनको मैं बोलता हूँ 100% आराम होगा, 5 या 6 दिन में आप पेशेंट, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि ये पेशेंट अभी कैसा है। देखिए पेशेंट से, पेशेंट को पेशेंट दिखाता हूँ मैं आप। अपन प्रयास करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ सो। क्या नाम है? यसो। अच्छा, कहाँ से हो आप? पनस से। रांची? हाँ जी, रांची से। देखिए ये पेशेंट है, परेशान है बेचारा। दिन में 3 या 4 बार उसको फिट आते हैं। फिट जब आते हैं तो बेहोश हो जाता है, उसकी वजह से उसको फिर सूझता नहीं, कन्फ्यूजन में पेशेंट जाता है। ऐसी स्टेज में अभी पेशेंट है, अभी हमने इनको दवाई चालू किया है, आज पहला ही दिन है, अभी देखते हैं कितना सुधार होता है। तो ऐसे हमारे पास में अगर कोई है आपके आजू बाजू में है तो उनको भेजो, उनको पक्का हम अच्छा करेंगे। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।